तो धीमे धीमे बचाए पे अचानक से पानी हो गया सब लोग यहाँ से। आप देख सकते हैं ये लखनऊ का चारबाग का रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप जो कि बड़ी लाइटिंग से जगमगा रहा है। ये है बड़ी लाइन और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है छोटी लाइन, मेरी ट्रेन बनने वाला छोटी लाइन पे आई। ये है लखनऊ का चारबाग स्टेशन। चलिए दोस्तों अभी टिकट बुक करते हैं फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। झमाझम बारिश हुई, हम लोग सब लोग बैठे थे बाहर यहीं पे सामने, मतलब हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से धीमे धीमे बौछारें पे अचानक से पानी के सब लोग यहाँ से तीन शायद के नीचे पहुँच गए। देख सकते हैं आप कोई भी आपको नहीं दिख रहा है बाहर। तो गाई जी ये साबरमती एक्ट क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग आए दुरंतो लाइब्रेरी पहुँच गए। आप गाइस देख सकते हैं ये दुरंतो लाइब्रेरी पहुँचे, आगे एम सीरीज के लोगों को एम सीरीज के मतलब पहुँचे और पीछे बी वन से के पहुँचे, उसके बाद पीछे सेकेंड ए सी मिलेगा फिर लास्ट में। और ये आप देख सकते हो कोई पीछे से बड़ी स्पीड में ट्रेन निकली, हम सफर एम से रहे देख सकते हैं आप कितनी स्पीड में जा रही है। और ये गाइस हो सकती है आनंद विहार वाली हम सफर एक्सप्रेस, आनंद विहार न्यू दिल्ली से, सॉरी न्यू दिल्ली से जो बरौनी जाती है जिसमें हम लोगों ने कल जर्नी करी थी, शायद वही यही है। जो तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में कानपुर पहुँचते हैं, कानपुर का आपको हाल दिखाते हैं। फाइव के साथ आप दोस्तों देख सकते हैं ये जा रही काशी महाकाल एक्सप्रेस, जिसकी हम काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे, आखिर में ये काशी महाकाल आज मिल ही गई। और आगे ये ए वन कोच और ये सेकेंड है बी वन कोच और ये फाइन तीसरा कोच हम सफ़र का। और गाइस आपको इसमें काशी महाकाल एक्सप्रेस में मिलेंगे स्लीपर कोच भी, जो कि चार स्लीपर कोच हैं S1, S2, S3 और जो फाइनल योजी कोच, तो तक तीन ही स्लीपर आपको मिलते हैं काशी महाकाल। और अभी हम लोग की ट्रेन है कानपुर सेंटर के आउटर पे और ये सामने आप देख सकते हैं ये जा रही है
आनंद विहार हतिया, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और हम लोग कहते हैं बारिश में आती है कानपुर सेंटर के प्लेटफार्म पे। देखते हैं भाई कौन सा प्लेटफार्म पे एंट्री होती है। और ये गाइस हम लोग की ट्रेन पहुंच रही है प्लेटफार्म नंबर 9 पे। गाइस हम लोग की ट्रेन आ चुकी है कानपुर सेंटर के प्लेटफार्म नंबर 8 पे, क्योंकि 9 नंबर प्लेटफार्म खाली नहीं था इस वजह से। और देखते हैं गाइस 9 नंबर पे कौन सी ट्रेन लगी है। तो गाइस आप देख रहे हैं कानपुर वेब 7 के साथ 7105 के साथ कोई लोकोमोटिव लगी, ये खड़ी है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि जाएगी सहरसा को, आनंद विहार सहरसा नई दिल्ली, नई दिल्ली सहरसा। और ये वैशाली एक्सप्रेस नई दिल्ली टू सहरसा, और ये प्लेटफार्म नंबर 8। वैसे गाइस इस ट्रेन को कहते हैं अनऑफिशियल दुरंतो एक्सप्रेस, क्योंकि इसे मुंबई से बनारस तक एसी स्पेशल बना के चलाए गए पल जे दुरंतो एक्सप्रेस जो कि इंदौर से हिसार की तरफ चलती है। और गाइस ये देख सकते हैं ये कोई आ रही है एक्सप्रेस ट्रेन जो कि प्लेटफार्म नंबर 1 पे आ रही है। और आप यहाँ देख सकते हो लोगों का मेला लगा हुआ है, बैच 9, बैग फोर, और ये है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली टू जयनगर। और देखिए रात का व्यू आप देख सकते हैं कानपुर सेंटर का, क्या ही शानदार नज़ारा है वो भी बारिश में। और ये फॉग की आवाज़ होती हुई ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक पे। और गाइस आप बारिश में देखिए कैसे लाइनें चमक रही हैं बिल्कुल एकदम शाइनिंग करती हुई। और ये जो सामने आप देख सकते हैं मेमोरियल वो जाता है सुबह 6 बजे झांसी के लिए, जो कि 10:30 बजे झांसी पहुँचा देता है। 6 बजे यहाँ से प्लेटफार्म नंबर 10 पे से डिपार्ट होती है।
और ये देखिए गाइस कैसे ट्रेन से बारिश हो रही है। तो गाइस बस वीडियो में इतना ही, बाकी जल्दी हम लोगों की एंड होगी फरकाबाद में। सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस जो कि गाइस आ रही है देहरादून से सुबेदारगंज जा रही है। देहरादून एक्सप्रेस किसी ट्रेन में ऑन बाय और दूर है और वो ऑन बाय गंज से नॉन स्टॉप निकल गई। और गाइस ये हम लोगों की ट्रेन अनबरगंज से निकलती हुई तेज रफ्तार में। देख सकते हैं डॉगी को कैसे खेल रहे हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं एनआर का वेब 7 इज्जत नगर। गाइस इज्जत नगर देख सकते हैं आप, इज्जत नगर का वेब 7 अनबरगंज में खड़ा हुआ। भाई हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जसोदा रेलवे स्टेशन और हम लोगों की ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंच जाएगी फरकाबाद, जहाँ पे हम अनबोर्ड हो जाएंगे। फरकाबाद से हम लोग जाएंगे अपने घर। और आप देख सकते हैं निकल रही है जसोदा से, दिखाते हैं आप। तो गाइस हम लोगों की ट्रेन फतेहगढ़ से निकल चुकी है, देख सकते हैं आप। और ये खड़ा है बैप पर 224/47। और सामने आप देख सकते हैं खड़ी है कासगंज एक्सप्रेस जो कि 7:40 पर चलती है।